अब इनमें से किसी से भी पूछकर देख लो क्या फैसिलिटीज हैं उन लोगों के लिए जो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे और जिन्हें सिटीजनशिप देंगे, क्या उन्हें नौकरियां दे पाएंगे, क्या उनके खाने का इंतजाम कर पाएंगे, क्या उन लोगों को ये घर दे पाएंगे रहने के लिए जब हमारे देश में खुद के लोगों के पास घर नहीं है। पूछ के देख लो आप इनमें से किसी से भी, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास, क्योंकि कोई प्लान नहीं है इनके पास। हम इन रेफ्यूजीज को शरण तो दे देंगे लेकिन पालेंगे कैसे? 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में, 5 करोड़। 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे तो वो कहां, संबित भैया पूरी में बसेंगे क्या? वो पूरी में बसाओगे उनको? देखिए तो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहां रहेंगे? ठीक है ठीक, ये बता दो। एक सेकंड, देखिए आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है। इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी है। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। भैया बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं। राहुलोलॉजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी हैं। 31 दिसंबर मेरे साथ 5 बार बोलिए, क्योंकि अभी जाके आप भ्रम फैलाएंगे, बीच में नहीं बोलना है, मन में 5 बार बोलिए। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हिंदुस्तान में अनेकों दशकों से ऑलरेडी आ गए हैं उनको नागरिकता देंगे।